अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बांडीपोरा। क्या हाल चाल है माई यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आ चुका हूँ बांडीपोरा में। तो अभी इस वक्त मैं यहाँ पर जो अड्डा है ये देख सकते हो, ये यहाँ पर हूँ इस वक्त मैं। तो अभी गाइस मुझे जाना है HKM कॉलेज में जाना है, तो अभी यहाँ से एक ऑटो पकड़ेंगे, वो लेकर जाएगा हमें कॉलेज तक। फिलहाल व्लॉग में बने रहिए गाइस। तो गाइस फाइनली हम गाड़ी में आ चुके हैं, तो अभी निकलेंगे हम कॉलेज के लिए। तो फिलहाल आप व्लॉग में बने रहिए, चलिए चलते हैं भाई सब। तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं कॉलेज की तरफ। पहले तो आप यहाँ का थोड़ा नज़ारा देख लीजिए, आपको लोकेशन से थोड़ा पता चल जाएगा, तो आगे का सीन भी कुछ अच्छा होने वाला है। हम फाइनली पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो ये ऑटो, अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके थे इसी ऑटो में। तो यहाँ पर जो हमारा किराया रहा वो रहे 4% 15 rupees। तो आगे यहाँ से पैदल जाना है, पता नहीं कितने मिनट लगने वाले हैं यहाँ से आगे तक। हम अभी ये वाली लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। एक्चुअली जो ऑटो था उसने हमें वहाँ तक छोड़ दिया, इसके आगे जो है हमें पैदल सफ़र क्रॉस करना है। देख सकते हो कुछ ऐसा रास्ता है, तो हम यहीं से निकलेंगे। अभी ये वाली सीढ़ियाँ क्रॉस करनी है, देख सकते हो आगे आगे बंदे चल रहे हैं। व्यू देख सकते हो यहाँ से गाइस, कुछ ऐसा व्यू है इस तरफ। तो फिलहाल आगे का सफ़र हम शुरू करते हैं, तो फिलहाल बने रहिए व्लॉग के साथ। सबको पता चल चुका होगा अभी हम कौन से रास्ते में चल रहे हैं, अभी हम पैदल चल रहे हैं आप देख सकते हो। तो यहाँ तक हमारी हालत जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो मैं आपसे क्या कहूँगा भाई साहब, हालात बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। देख सकते हो आप कैसे चलना पड़ता है, मेरे साथ आप देख सकते हो और एक साथी है एहसान, तो ये यही कॉलेज में पढ़ता है, तो इसी के साथ मैं यहाँ पर आया था भाई साहब। ये देख सकते हो कहाँ कहाँ से निकलना पड़ता है, ये देख सकते हो व्यू कुछ ऐसा है यहाँ का, ये देख सकते हो भाई साहब। देख सकते हो कैसा रास्ता है, इसी रास्ते को हमें क्रॉस करना है इस वक्त। ये देख सकते हो भाई साहब, हालात जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है यहाँ से निकलते बड़े बड़े। ये देख सकते हो गाइस यहाँ से व्यू देख सकते हो कुछ ऐसा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। ये इस साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर ये सेब की दरख्त है, लेकिन यहाँ पर अभी सेब जो है नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है हमारे गुरेज में जो हमारे गांव में बंजर साइड है वो ऐसा ही है, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है मुझे बंजर साइड जैसा। अब फाइनली यहाँ से हमें 2 मिनट लगने वाले हैं, तो आप देख सकते हो ये यहाँ का कॉलेज है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो फिलहाल हम जाएंगे वहाँ पर, हम इस वाले साइड से आ चुके थे, यहाँ से और एक रास्ता भी है, यहाँ से गाड़ियाँ भी निकलती है इस कॉलेज को। गाइस फिलहाल हम कॉलेज जाते हैं, ये देख सकते हो कॉलेज। तो फिलहाल आप बने रहिए व्लॉग के साथ, उसके बाद मिलते हैं। A few hours later. हमें जो काम कॉलेज में था वो हो चुका है, अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, तो फिलहाल कहीं और लोकेशन में चलते हैं। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा आपसे, व्लॉग में बने रहिए, कुछ ऐसा व्यू है इस टाइम आप देख सकते हो भाई साहब। तो गाइस इस जगह को अभी अलविदा कहते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़। इस कॉलेज में और एक नया फ्रेंड मिला मुझे, आप देख सकते हो अन्नान भाई, ये संदरवानी का है। एक्चुअली हमारी मुलाकात हो गई थी विंटर में, तो ये देख सकते हो भाई क्या लग रहा है, फर्स्ट टाइम कॉलेज में जा रहे हो। अच्छा लग रहा है, बहुत यार। ये भाई अभी कॉलेज जा रहे हैं, हम तो वहाँ से आ चुके हैं, अल्लाह से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से निकलते हैं गाइस। तो गाइस अभी मैं उसी गली पे पहुँच चुका हूँ जहाँ से मैं सुबह निकला था कॉलेज, तो अभी मैं वहाँ से वापस आ चुका हूँ, ये देख सकते हो ये वाली गली। तो यहाँ से आगे हमें कोई गाड़ी मिलेगी, तो यहाँ से हमें कोई गाड़ी मिलेगी। फिलहाल हम देखते हैं, यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है इस टाइम आप देख सकते हो, लेकिन रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रही है, पूरी गाड़ियों में सवारी जो है बिल्कुल फुल। तो अभी हमें यहाँ से जाना है मार्केट में, तो फिलहाल हम यहाँ पर वेट करेंगे किसी गाड़ी का, देखेंगे क्या सीन रहेगा। उसके बाद यहाँ से आप थोड़ा व्यू भी देख सकते हो कुछ ऐसा है। तो फिलहाल गाइस ये वाली बस हमें मिली है यहाँ पर, फिलहाल हम इसी पर चढ़ेंगे। तो गाइस हम इसी पर चढ़ते, ब्लॉक में आप बने रहिए,
काफ़ी वेट करने के बाद यहाँ पर एक गाड़ी मिली है, तो फिलहाल हम इसी पे चढ़ चुके हैं। तो फिलहाल मैं आपको यही कहूँगा ब्लॉग में बने रहिए जब तक हम पहुँच जाते हैं मार्केट में, तो फिलहाल बने रहिए। गाइस हम इस गाड़ी में यहाँ तक आ चुके थे, तो यहाँ तक हम इसी में पहुँच चुके। तो अभी हम जाएंगे मार्केट की तरफ। ये यहाँ से देख सकते हो कि मैं बांडीपोरा का जो मेन मार्केट है वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। एक्चुअली अभी बहुत भूख लगी है, पहले हम कुछ खाएंगे। उसके आपको पता चल चुका होगा मैं एक्चुअली दूसरी लोकेशन पर आ चुका हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही थी इस टाइम, आप देख सकते हो मैं 0 माइलेज जो यहाँ पर होटल है, अभी मैं यहाँ पर जाऊँगा अंदर। तो यहाँ पर वेलकम खुद ही किया इस भाई ने, आप देख सकते हो दरवाज़ा खोलकर। तो ये यहाँ का कुछ ऐसा सीन है इस होटल का, मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। ये देख सकते हो यहाँ से ये भाई बैठा है यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। क्या ऑर्डर किया है आपने? चिकन बिरयानी ऑर्डर किया है। तो ये देख सकते हो गाइस, ये देख सकते हो ये इस होटल का ओनर है मिस्टर ताहिर हुसैन। जी सर, अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं इस होटल के जो या कि जो ट्रेडिशनल डिशेस है उनके बारे में। एक्चुअली हम फास्ट फूड सर्व करते हैं, 0 माइल्स जो फूड चैन है वो फास्ट फूड डिलीवर करती है लोगों को। एंड फास्ट फूड में हमारा सबसे अच्छा बटर चिकन हम देते हैं, चिकन रारा देते हैं हम, तंदूरी चिकन हमारा बहुत स्पेशल होता है, अफगानी चिकन। एंड आई विल ऐड के बहुत सारी डिशेस ऐसी है जो आपको जो होल कश्मीर में बिल्कुल जो आपको होल कश्मीर में बहुत कम रेस्टोरेंट्स में मिलेंगी। एंड हमने वो यहाँ पे अवेलेबल रखी है अपने गेस्ट के लिए। हमारा मेन्यू बहुत ही डाइवर्स है एंड बहुत ही अफोर्डेबल है। आप एक बार आए, हम बहुत अच्छा पिज़्ज़ा भी बनाते हैं। आप एक बार आए 0 माइल्स और आप यहाँ का फूड टेस्ट करें। एंड आई होप कि आप बिल्कुल वो लाइक करें। हम जो लोकल जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं वो तो हम अपने खुद डिलीवरी बॉय से डिलीवर करते हैं, बट जो आउटसाइड हमारे इलाके हैं जो 5, 6 या 10 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं, तो उनको हम खुद डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो फिर हमने 2 ऐप्स के साथ यहाँ पर पैचअप किया है, उनका नाम है फूड हंग एंड हाइपरगो। तो वो एज़ पर द किलोमीटर्स गेस्ट कस्टमर्स को डिलीवरी चार्जेस चार्ज करते हैं एंड वो आपके डोर स्टेप पर आपको फूड पहुंचा देते हैं। किन किन जगह में अभी डिलीवर हो सकता है ये फूड? ऑलमोस्ट इन द होल कॉन्स्टिट्यूएंसी हम फूड डिलीवर करते हैं। जी सर, थैंक यू सर, शुक्रिया आपका ये इन्फॉर्मेशन के लिए, थैंक यू सर। हमने यहाँ पर ऑर्डर किया था चिकन बिरयानी, तो हमारी चिकन बिरयानी आ चुकी है, बहुत ही अच्छी गुड सर्विस है यहाँ पर। तो फिलहाल हम खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फिलहाल ब्लॉग में बने रहिए और भी इन्फॉर्मेशन आपसे हम शेयर करते रहेंगे। तो चले भाई साहब, यहाँ पर जो चिकन बिरयानी थी बहुत ही ज़बरदस्त थी, मज़ा आ गया खाने में। देख सकते हो क्या हालत कर दिया है यहाँ पर ये देख सकते हो क्या हालत हो चुकी है। तो फिलहाल गाइस निकलते हैं यहाँ से, हम निकलते हैं यहाँ से, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, थैंक यू सर, थैंक सर। तो इसी के साथ इस व्लॉग को भी एंड करेंगे, तो मिलते हैं और एक नए स्पेशल व्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़, बाय।